हेलो गाइस, अमित शर्मा की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज संडे है, सुबह के बज रहे हैं 11 और हमने सोचा कि पूरा महीना हमारा ऐसे ही चला गया, कोई ब्लॉग नहीं आ पाया, तो हम थोड़ा सा अपना जॉब से थोड़ा रिलैक्स होकर के अब घूमने चल रहे हैं। और आज फिर हमारे साथ एक मेरा पुराना फ्रेंड प्रणव। यो यो मेरे जिगर के छल्ले, कैसे हो सब? आज हमें आपको सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग करने के साथ साथ ये कहना भूल गया कि आपको अमित शर्मा का ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। तो गाइस, हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम आज कहाँ जा रहे हैं घूमने, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रणव, कहाँ जा रहे हैं? मैं तुझे आज एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ तू आज तक कभी नहीं गया। इसने वो मेरे लिए सरप्राइज रखा है, कहाँ लेके जा रहा है मेरे को बता देगा अभी कि नहीं बताएगा? वो सरप्राइज है और सरप्राइज ही रहेगा। चलो दोस्तों, फिर चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते हम आ चुके हैं पटना वाटरफॉल। आज जिस प्लेस की मैं बात कर रहा था अमित से, मैं आज इसको ले आया हूँ वहीं पे, और अब हमें 2.5 किलोमीटर की करनी है ऊपर की चढ़ाई। ये चढ़ाई करनी है हमें ऊपर की, 2.5 किलोमीटर से मेरे ख्याल ज़्यादा ही है, तो टाइम ना ख़राब करते ऊपर चलते हैं फटाफट। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं करा भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तेरी हालत तो वैसी डाउन लग रही है मेरे को। मेरी कोई हालत डाउन नहीं है। हाँ, मेरी कोई हालत डाउन नहीं है, आई एम ऑल सेट टू गो। दोस्तों, भी चढ़ना शुरू ही करा था, प्रणव के हाथ पैर फूल चुके हैं, देखो हालत डाउन हो चुकी है इसकी। ये नहीं, थक गया तू? ये आजा भाई, आजा जल्दी आजा। और आज कितना बढ़िया सब कुछ, ब्लॉगर अमित शर्मा आज भैया अच्छी एडवेंचर करते हुए, अच्छी ट्रैकिंग हो रही है अपनी। दोस्तों, पूरी तरह से थक चुके हैं इस समय, और बीच में इसने नहीं शूट कर पाया, पसीना पसीना आप देख ही रहे हो कितना हो चुका है, और थोड़ा सा ही रह गया, वो भी आप देख ही लीजिए कितना रह गया। दोस्तों, हम बिना रुके बिना थके चलते ही आए और चलते ही आए, और बस अब पहुंचने वाले। दोस्तों, बहुत मज़ा आया। बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ पे आना ये था कि हम आप लोगों को दिखा पाएं कि कितना अच्छा वाटरफॉल है। जो हमने फ़न किया वो सब हमने कैप्चर नहीं किया है इसमें, जस्ट बिकॉज आवर मोटिव वॉज दैट वी शुड शो यू द ब्यूटी इनसाइड द जंगल। नहा के बड़ा मज़ा आया, नहा के बहुत मज़ा आया। आप मेरे बालों की जुल्फों से ही देख सकते हैं, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। मेरी सूख चुकी हैं मेरी जुल्फें सूख चुकी हैं। ये ब्लॉगर हॉट हो गए हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इनके ब्लॉग्स पे।
शर्म आ रही है। चलो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली वी आर गोइंग बैक। चलो अभी थोड़ा पेट पूजा कर लें, बहुत भूख लगी है। आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ की एक ड्रिंक है जो बहुत फेमस है। क्या फेमस है वहाँ की बता? सारे सरप्राइजेस वीडियो में स्टार्टिंग में ही नहीं बताने चाहिए ना दोस्तों। अब फिर से नीचे उतरने की बारी है अपनी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे यार रुक जा, कितना फिर से कितना पसीना हो गया साला, नहा करके भी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या, इतनी तो उमस है यहाँ पर जंगल में। दोस्तों हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे। क्या? कि यहाँ पे भी लोग ना अपने आशिकों के साथ जो आते हैं उनको आधे लोगों को तो यही टेंशन रहती है कि उनकी गर्लफ्रेंड नीचे ना गिर जाए, अपने से ज्यादा तो उनका ध्यान रखने में उनका टाइम लग जाता है। इट्स बेटर कि आप सिंगल रह के खुद अकेले आए और ऐसे ऐसे पीछे भी कोई आ रहा है, देखो कैसे लोग समझ क्या रहे हैं, समझ समझ क्या। भाई यार नीचे उतरना भी ऐसा हो रहा है कि क्या बताएं। दोस्तों नीचे उतरना भारी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे आगे लव बर्ड्स है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को संभालते संभालते इतने रुक जा रहे हैं कि हमें भी उनके चक्कर में बार बार रुकना पड़ रहा है। लव बर्ड्स शादी से पहले तो एटलीस्ट तुम अपना खुद के ऊपर, मेरा तो अमित यही मानना है कि हम ये ऐसी एडवेंचरस ट्रिप पे हम ना अकेले ही आना चाहिए, गर्ल्स के साथ या तो गर्ल्स गैंग अपना खुद आए ताकि वो जो आई आओ आई मम्मी मैं गिर गई ये सब वाले ड्रामे हमारे साथ ना हो। क्या बताएं, बॉयज ट्रिप में अपना अलग ही मजा है। सही बात है, ना किसी की टेंशन ना कुछ, मोटिवेशन ना मिलते हुए भी दो चार गाली देंगे तो अपने आप ही ऊपर। किसी किसी बातें करता है ये देखो। वैसे जब अभी जब चढ़े थे प्रणव, काफी ज्यादा भीड़ थी। काफी भीड़ थी, भीड़ तो देखो अभी भी है, देखो पीछे से भी आशिक आ रहे हैं। चल गया भाई, चल गए। कैफे में आ रखे हैं इस समय और भाई साहब ने पता नहीं क्या ऑर्डर करा है। क्या ना, आना लेमन आना ऑर्डर करा है भाई साहब ने। मैं आपको दिखाता हूँ लेमन आना कैसा लगता है। ये प्रणव क्या है, लेमन आना, लेमन आना ड्रिंक है भाई साहब। सो टेस्ट करते हैं, दिस इज एन अमेजिंग ड्रिंक ऑफ द पिंक कैफे, आई हैव ट्राइड दिस टू टाइम्स बिफोर आल्सो एंड आई लाइक इट। करके देखते हैं कैसी है। टेस्टी बहुत ज़्यादा है यार, बाकी में टेस्टी है प्रणव। तो गाइज कभी आप ऋषिकेश पिंक कैफे में आएँ तो लेमन आना ज़रूर ट्राई करिए आप। तो फाइनली गाइज हमारा फूड आ चुका है। और वैसे एक बात है, ये लेमन आना जो आइटम है इनका, ये फुल्ली आइस से बना हुआ है इनका, क्या चीज़ है समझ में नहीं आया, लेकिन ड्रिंक बड़ी टेस्टी है। कभी आप पिंक्स कैफे में आए और लेमन आना आपने ट्राई नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। चलो ट्राई करके देखते हैं। हाउ्स द टेस्ट? सो गाइज वी आर हेडिंग बैक टू होम और अभी चलते हैं बाहर जाकर आपसे बात करते हैं। हो गया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।